बच्चों, क्या आपको आवाज आ रही है? मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं ना? तो अगर मैं दिखाई ना दूं तो काम चल जाएगा तुम लोगों का? ये फोटो क्यों नहीं आ रही? हाँ बेटा, कुछ दिक्कत आ रही है, मैं को ट्राई करूँ थोड़ा सा और। क्या हो गया है? ठीक है, चलो मैं हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ बेटा, एकदम क्लियर आ रहा है। ओके, उम्मीद है कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो मेरे बारे में तो जानती ही हूँ, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और अच्छा, बचपन से स्मार्ट है, लेकिन मेरा पेन कहाँ चला गया? लोग साथ ही ऐसा होता है या मेरे ही साथ होता है, मेरा पेन गायब हो जाता है। ओके ठीक है, मिल गया। ओके ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स क्रैक। ओके, तो ठीक है, कुछ बैचेज हैं बेटा जिनके बारे में आपको बता देता हूँ।
जैसे ये है अर्ली एंथ्यूज बैच नीट 2022 के लिए 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। नीट और एम्स के लिए प्रैक्टिस लास्ट 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लिए 31 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। इसमें इनरोल आप कर सकते हैं प्लस पे। इसके अलावा प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको अगर लेना है तो इसमें HG लाइव पोर्ट का यूज़ करेंगे, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। देखिए प्लस पे आप किसी भी एडुकेटर का आपने कोड यूज़ किया हो लेकिन आप किसी से भी पढ़ सकते हैं जिससे आपका मन हो, और ये टेस्ट तो जरूर दीजिएगा बेटा। HG लाइव कोड का यूज़ करेंगे कॉम्बैट के लिए। कॉम्बैट फ्री है, कोई भी हर संडे को होता है बेटा, है ना, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए भी आप HG लाइव कोड का यूज करेंगे, फ्री में आप इसे एनरोल कर लेंगे। ये टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे का टाइम आपको देना है, 1 घंटे में आपको अपनी सारी तैयारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के बारे में आपको पता चल जाएगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको, मतलब आपके लिए तो फायदे ही फायदे है ना। फ्री में टेस्ट देना है, आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी, है ना, और ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी, मतलब लाखों बच्चों में आपको अपनी रैंक पता चलेगी। ये फ्री टेस्ट शेड्यूल है और अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। बस 1 मिनट रुकिएगा, PDF ओपन कर लेते हैं। हाँ बेटा 1 मिनट तो हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी मेरे बस में तो है नहीं, जब काम करेगा तभी कुछ होगा। चलो ठीक, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया बेटा। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 10:19 और हम लोग तो एक्सपर्ट हैं 40 मिनट में 90 क्वेश्चन करने में, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बेटा हम एक प्राइज सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। उसमें एक जो टॉपर होगा, जो जिसकी रैंक 1 आएगी उसको एक बुक मिलेगी। NCERT टैबलेट हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कई सारी बुक्स हैं जो आपको मिल जाएंगी फ्री में, ठीक। तो उसके बारे में जल्दी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, दैट इज ट्राइकोडर्मा। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाई सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक ABCND। लो बताओ यहाँ पर करेक्ट ब्लैंक आपको बताने हैं। द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट ऑफ
वन इज कॉज्ड बाई ए ग्रुप ऑफ वायरसेस सच एज राइनो वायरस। राइनो वायरस कौन सा एलिमेंट कॉज करता है, क्या फिल करोगे वहां पर? द इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक बट नॉट द, क्या नहीं इन्फेक्ट करता है? द ड्रॉपलेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर नंबर थ्री और स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर टू में आपका वन हो जाएगा कॉमन कोल्ड, ठीक है, राइनो वायरस कॉज करता है, लंग को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, इनहेल्ड हो जाता है ना, इनहेल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। बैकग्राउंड का कलर ठीक तो है बेटा, क्या दिक्कत है, चेंज कर दूं क्या? ये देख लो, ये सही हो तो इसको यूज कर लो। द टर्म सेरोगेट मदर इज यूज्ड फॉर, सेरोगेट मदर टर्म किसके लिए यूज करते हैं? अभी कलर ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। सेरोगेट मदर टर्म किसके लिए यूज करते हैं? फ्यूचर मदर विथ ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये वाला कलर मस्त है, चलो इसको देखो। हाँ तो बताओ जल्दी से। एड्स इज कॉज्ड बाय ए रेट्रोवायरस हैज टू मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ऐसे जीनो। एड्स कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड यूजिंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। मैक्रोफेजेस एक्ट एज ए वायरल फैक्ट्री एज इट लीड टू द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरस पार्टिकल इन एड्स। ए डिक्रीज इन बी लिम्फोसाइट काउंट इज सीन। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरे में लिखा है कि सक्सेसफुली ट्रीटेड। नहीं बेटा, एड्स को सक्सेसफुली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, पार्शियली ट्रीट कर सकते हैं और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो टू एंड फोर यहाँ पर इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव मैच करना है, दिखाई दे रहा है तुम लोग? क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा दिखाई दे रहा है, साल्मोनेला टाइफी पहला लिखा हुआ है। साल्मोनेला टाइफी में सस्टेंड हाई फीवर। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, निमोनिया कॉज करेगा, निमोनिया में क्या हो जाएगा? फीवर, चिल, कफ एंड हेडक। राइनो वायरस क्या कॉज करेगा? कॉमन कोल्ड कॉज करेगा, नेजल कंजेशन, सी ऑप्शन आ जाएगा। देखते हैं, एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टराइल कंडीशन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया इज कॉल्ड। प्लांट का कोई भी पार्ट जिसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, उस पार्ट को क्या कहा जाता है? यस कम ऑन बच्चों, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर सिक्स तो दिखाई दे रहा है ना, दैट इज नेम्ड एज एक्सप्लांट, इसे एक्सप्लांट का नाम दिया जाता है, क्लोन नहीं कहते बेटा। एनी पार्ट ऑफ प्लांट जिसे हम टेस्ट ट्यूब में यूज करते हैं ग्रो कराने के लिए नए प्लांट को, दैट इज नेम्ड एज एक्सप्लांट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड इंक्रीजिंग इट न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाता है किसके द्वारा? विटामिन बी12। सोमा क्लोनल वेरिएशन आर द वन, सोमा क्लोनल वेरिएशन किन्हें कहा? सोमा क्लोनल वेरिएशन किसे कहते? क्वेश्चन नंबर एट, सोमा क्लोनल वेरिएशन उन्हें कहते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक के दौरान जो वेरिएशन आती है उन्हें सोमा क्लोनल वेरिएशन। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा का रीजन क्या होता है बेटा? अस्थमा का रीजन क्या होता है? अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास सेल इन द लंग्स, ये ऑप्शन। द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज करेक्ट, एंटीबॉडीज के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज आईजीएम,
सबसे अबंडेंट होती है, ये कोड होता है गैमडे, सबसे अबंडेंट होती है आईजीजी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज आईजीजी एंड द एंटीबॉडी विच इज लार्जेस्ट इन साइज इज आईजीएम, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 10 के लिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन, एक्सोटिक ब्रीड के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन। एक्सोटिक ब्रीड किसे कहते हैं जो दूसरे किसी एरिया से लाई जाती, दूसरे किसी एरिया से लाई जाती, तो एक्सोटिक ब्रीड के लिए रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। योगर्ट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ योगर्ट, योगर्ट कर्ड योगर्ट, इन सबको कैसे प्रोड्यूस कराते हैं, योगर्ट इज प्रोड्यूस बाय, क्वेश्चन नंबर 12। या फिर प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है बेटा, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस एंड स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस, याद कर लेना, अच्छा सवाल है, योगर्ट इज प्रोड्यूस बाय, आपके एम्स में पूछा गया था सवाल। 13, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज ए पेन किलर, इसको पेन किलर के तौर पे यूज करते हैं, बिल्कुल सही। चीविंग टोबैको लोअर ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कोकीन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी टू स्टिमुलेट रिकवरी, नहीं कोकीन नहीं यूज करते हैं। बारबिट्यूरेट व्हेन गिवन टू क्रिमिनल मेक देम टेल द ट्रुथ, ये भी गलत है, ये ऑप्शन क्यों है। The virus that created a scare in the country and drastically affected egg and chicken consumption is, यानी जो वायरस जिसने कंट्री में स्केयर मतलब डर पैदा किया और जो एग और चिकन को अफेक्ट करता है, ये कौन सा है, बर्ड फ्लू वायरस। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैंसर, कैंसर के डेवलपमेंट में क्या करेक्ट सिक्वेंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ सी ऑन्कोजिन, सेलर ऑन्कोजिन एक्टिवेट होगा, फिर लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का कंट्रोल लॉस हो जाएगा, फिर डैमेज टू नेबरिंग सेल ऑफ सेल साइकिल, और उसके बाद मेटास्टेसिस हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है, एनटीए मॉक टेस्ट का है बेटा। व्हाट डज एलाइजा, थोड़ी सी गलत हो गई, What does ELISA, the standard screening test for HIV detect? ELISA क्या डिटेक्ट करता है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ELISA टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एड्स के लिए, और ये क्या डिटेक्ट करता है, किस चीज को डिटेक्ट करता है। ELISA is based on antigen antibody interaction. Yes, ये antigen antibody interaction पे आधारित है, और ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, बहुत अच्छा सवाल है। द पोलियो वायरस एंटर द ह्यूमन बॉडी, पोलियो वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, ये भी एनटीए मॉक टेस्ट का बहुत अच्छा सवाल है। पोलियो का वायरस ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से एंटर करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। क्वेश्चन नंबर 18 पीडीएफ दूंगा, उसमें चेक कर लेना। So the following antibody can be characterized by the following feature. It is the heaviest antibody. अभी हमने बात की थी. Heaviest antibody कौन सी है? सबसे जो largest जिसका molecular weight होता है. That is the first antibody which come into action after the entry of pathogen. It is pentamer. This is the IgM. IgM. Which of the following microbe is the source of acetic acid? इनमें से कौन सा acetic acid का source है? एसिटिक एसिड किससे मिलता है, एक तो जानते हो एस्टोबैक्टर एसिटी, क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, ये देखो एस्टोएस्टिक, इससे भी एसिटिक एसिड मिलता है, और ये ग्लूकोना एसिटोबैक्टर है ना, इसमें भी एस्टो लगा हुआ है, इसमें भी एस्टो लगा है, तीनों में एस्टो लगा है, तीनों से एसिटिक एसिड मिलता है, करेक्ट ऑप्शन।
द फॉलोइंग ऑप्शन सोच करेक्ट पेयरिंग ऑफ एल्कोहल एंड द सबस्ट्रेट फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेंड. ये अच्छा सवाल है बेटा. देखो तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि जो बियर होता है, बियर, ठीक, बियर को ऑब्टेन किया जाता है बेटा, बियर को ऑब्टेन करते हैं बार्ली से, जौ से, बार्ली से ऑब्टेन करते हैं. बी फॉर बियर, बी फॉर बार्ली. पहले ऑप्शन में तो वीट लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में लिखा है जूस, ये गलत हो गया. दूसरे ऑप्शन में लिखा है बियर बार्ली माल्ट, है ना, रम मोलेसेस बिस्की सीरियल एंड ओदका पोटैटो. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, बी ऑप्शन करेक्ट हो. राम किशोर इज एन ऑर्गेनिक फार्मर ग्रोविंग लेडी फिंगर इन हिज फील्ड. व्हाट आर द प्रिकॉशन ही विल टेक टू कंट्रोल पेस्ट इन हिज फील्ड. ऑर्गेनिक फार्मर है तो उनको क्या यूज करना चाहिए पेस्ट को कंट्रोल करने की. Use of lady finger and dragonfly to control butterfly caterpillar. Butterfly caterpillar के वो हम BT से control कर सकते हैं, lady bird और dragonfly से control नहीं कर सकते. Use of nucleopolyhedrovirus to control arthropod, ये सही है. Use of bacillus thuringiensis to control butterfly caterpillar, ये सही है. Use of trichoderma to control arthropod, ये गलत. Correct option क्या हो जाएगा, 2 and 3, यानी B option correct हो जाएगा. A new crop that is source of high performance lubricant is. ये भी आपके NTA का क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 23, that is Simondicia, Simondicia chinensis. ये है high performance lubricant का source. Which part is most suitable for raising virus-free plant in the micro-propagation? Virus-free plant, ये meristem culture का तरीका बेटा, meristem culture का तरीका, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, meristem का यूज करते हैं. Outbreeding is an important strategy for animal husbandry because it. Outbreeding एक important strategy है, क्यों? Outbreeding. Question number 25. क्योंकि इट इज हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल. इसे प्योर लाइन बनाते हैं, प्योर लाइन बनाने के लिए तो इनब्रीडिंग का तरीका यूज करते हैं ना, प्योर लाइन की तो इनब्रीडिंग. यहाँ पर आउटब्रीडिंग पूछा तो नहीं होगा आंसर. इट इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन. आउटब्रीडिंग से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं. मार्क द नॉन इन्वेसिव टेक्निक विदाउट एनी साइड इफेक्ट टू डायग्नोज द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन. कोई साइड इफेक्ट ना हो, सबसे सेफ हो. आपसे पूछना चाह रहा है सेफेस्ट टेक्निक कौन सी, सेफेस्ट टेक्निक. सेफेस्ट टेक्निक कौन सी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सेफेस्ट टेक्निक. At which stage HIV infection does usually show symptom of AIDS? AIDS के symptom कब नजर आएंगे? AIDS के symptom कब नजर आएंगे? Number 27. When HIV damages large number of helper T lymphocytes, जब ये बहुत सारी helper T lymphocytes को damage कर देते हैं. So the following in sewage treatment removes suspended solid. सस्पेंडेड सॉलिड को कौन रिमूव करता है, प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने का तरीका होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन फील. यहाँ पर एक्स और वाई आपको पहचान, एक्स और वाई दिखाई दे रहा बेटा. ये जो एक्टिव है इसके नीचे एक्स लिखा है और इधर पैसिव के नीचे वाई लिखा है, पैसिव के नीचे वाई लिखा हो. अब एक्स और वाई पहचानना है. क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा सवाल है ये भी. टिटनेस टॉक्सॉइड, टिटनेस टॉक्सॉइड क्या होता है बेटा, टिटनेस टॉक्सॉइड होता है एक्टिव,
तब एक्स हो जाएगा। एंटी टिटनेस सीरम में चूंकि एंटीबॉडीज होती हैं तो ये आपका हो जाएगा वाई, पैसिव हो जाएगा। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस की जो वैक्सीन होती है इसमें भी टॉक्सॉइड होते हैं यानी एक्टिव हो जाएगा। एंटी टॉक्सिन डिप्थीरिया सीरम, एंटी टॉक्सिन मतलब एंटीबॉडीज हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं तो पैसिव हो जाएगा। और बीसीजी वैक्सीन जो होती है ये इम्यूनिटी का एग्जाम्पल, इसका मतलब है 1, 3 और 5, 1, 3, 5 एक्टिव हो जाएंगे और 2 और 4 पैसिव हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द गिवन प्लांट गिवन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग ऑब्टेंड फ्रॉम द गिवन प्लांट। ये प्लांट पहचान में आ रहा है, कलर चेंज करें तब आएगा। अभी आए पहचान में, ठीक है तो कलर चेंज कर दे रहे हैं। बताओ इसके लिए गलत आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। पॉपी प्लांट है बेटा ये, पॉपी प्लांट। तो पॉपी प्लांट से पूछा गया है यहाँ पर कि द ड्रग स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट टू कोप विद मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए इसका यूज नहीं करते, ठीक है, मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए इसका यूज नहीं करते, बाकी सारे ऑप्शन सही। 31, चलिए यहाँ पर आपको करेक्ट मैचिंग बतानी। करेक्ट मैचिंग, एक डिजीज दी गई है, पॉजिटिव ऑर्गेनिक यानी पैथोजन दिया गया, मोड ऑफ इन्फेक्शन टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी विद इंस्पायर्ड एयर, एयर से तो नहीं होता, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बिल्कुल ड्रॉपलेट से फैलता है। 32 पे आ जाइए, दो फिगर आपको दिए गए बेटा, दो फिगर आपको दिए गए यहाँ पर। पहला जो फिगर आपको दिखाया गया है ये क्या बता रहा है, पहला वाला फिगर यहाँ पर मॉर्फिन का है, पहला वाला फिगर मॉर्फिन का है। तो मॉर्फिन एक ही आपको दिया गया है, देखो ए मॉर्फिन पेपावर सोमनीफेरम सिडेटिव एंड पेनकिलर, एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 विच इज करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड, बताओ। मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लेजर्ड, मस्का डोमेस्टिका तो कॉमन हाउस फ्लाई होती, घर वाली मक्खी है ये, लेजर्ड नहीं है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, बिल्कुल। कौन सा मलेरिया कॉज करता है बेटा ये बताओ मुझे, कौन सा मलेरिया कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 33, इससे होता है मलेरिया, मलेरिया। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें लगभग सारी चीजें आपको मिल रही हैं। स्टैटिन किससे मिलता है बेटा, स्टैटिन मिलता है आपको कहाँ से जल्दी से बताओ। हाँ मलिग्नेंट मलेरिया, बिल्कुल सही है, मलिग्नेंट मलेरिया। स्टैटिन को किससे मैच करोगे, मोनास्कस परप्यूरियस से। सो इस चीज प्रोपियोनिक, कल भी सारे क्वेश्चन हमने किए थे, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा सिट्रिक एसिड एस्पर्जिलस नाइगर क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकोकस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में मोटाइल जाइगोट होता, प्लाज्मोडियम अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पर मोटाइल जाइगोट पाया था, और ये मोटाइल जाइगोट कहां पर होता है, मोटाइल जाइगोट कहां पर होता है, ह्यूमन में तो नहीं होता है क्योंकि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मोटाइल जाइगोट पाया जाएगा गट ऑफ द फीमेल एनोफिलिया, फीमेल एनोफिलिया। अर्पित सफर फ्रॉम लीवर फेलियर एंड ही इज एडवाइज्ड लीवर ट्रांसप्लांटेशन, ही हैज बीन एडवाइज्ड ए मेडिसिन हेल्प हिम एक्सेप्ट ए डोनर लीवर, व्हाट कुड बी द मेडिसिन एंड व्हाट कुड बी द सोर्स फ्रॉम विच इज कॉमर्शियली ऑब्टेंड। अगर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं बेटा तो ट्रांसप्लांटेशन करने में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करेंगे, और ये कहां से मिलेगा ट्राइकोडर्मा से, साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करेंगे और ट्राइकोडर्मा से ड्रग मिलेगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय, एथलीट फुट डिजीज कौन कॉज करता है, एथलीट फुट, ये भी अच्छा सवाल है।
प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और एनडीए मॉक टेस्ट में भी आपको दिया गया। हाँ रुपेश बिल्कुल बेटा, नोट्स किसी भी ईयर के दे सकते हैं आप। टीनिया पेडिस है। चलो यहाँ पर कॉलम मैच करना है आपको, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा। तो ए थ्री बी वन तो ऑप्शन अभी सही है। स्टेटिन मोनेस्कस 4 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा 38 के लिए। ग्रेफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन द पेशेंट ड्यू, ग्रेफ्टेड किडनी का रिजेक्शन कौन करता है, ग्रेफ्टेड किडनी का रिजेक्शन कौन करता है, दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिसे हम CMI के नाम से, CMI। तो यहाँ पर आपको मैच ईच डिजीज विद करेक्ट टाइप ऑफ द वैक्सीन, ये आपके नीट में ही सवाल पूछा गया, ये तो आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जो वैक्सीन होती है उसमें किसका यूज करते हैं, हार्मलेस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, हार्मलेस बैक्टीरिया। हूपिंग कफ में किल्ड बैक्टीरिया यूज करते हैं, डिप्थीरिया में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन का यूज करते हैं, और पोलियो में हार्मलेस वायरस का यूज करते हैं क्योंकि पोलियो वायरल डिजीज है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल, इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल देन इट लीड्स टू। इसे क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नेम्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपको ट्रू और फॉल्स बताने। द वाटर इज लेस पोल्यूटेड इफ पीओडी इज हाई, गलत है बेटा क्योंकि बीओटी अगर पोल्यूशन ज्यादा तो बीओडी भी ज्यादा हो। फ्लॉक्स आर फॉर्म बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं, ये भी फॉल्स हो गया। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, स्लज एक्ट लाइक इन एन इनोकुलम इन एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में एक्टिवेटेड स्लज, ये भी फॉल्स हो जाएगा बेटा, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये जो इनोकुलम का काम करता है वो कहाँ पर करता है, एरेशन टैंक में करता है, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में इनोकुलम का काम नहीं करेगा। इन एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर गैसेस लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, ये सही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन फेल ऑफन नॉन एक्सेप्टेंस बाय पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन, अभी हमने किया था, दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी आपके नीट का सवाल है बेटा, इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं, क्वेश्चन नंबर 40। सोरियासिस, रिम्यूटॉइड अर्थराइटिस, विटिलिगो, ये तीनों है। अल्जाइमर डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं। माइक्रोब विच एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर, कौन से माइक्रोब बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम एजोस्पाइरिलम, बिल्कुल ये सही है, क्वेश्चन नंबर 45 का बी सही हो जाएगा। एडिक्शन टू स्मोकिंग इज हार्मफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कॉज, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो तंबाकू के धुएं में होते हैं ये क्या कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर देते हैं। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज बाय, हेरोइन को कहां से सिंथेसाइज किया जाता है बेटा, हेरोइन का फॉर्मेशन होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हेरोइन बनता है।
यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए, इनमें भी ट्रू और फॉल्स आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। मलेरिया इज कॉज बाय द प्रोटोजोवा नोन एज प्लाज्मोडियम, ट्रू। मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मोस्ट सीरियस, गलत। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सबसे सीरियस होता है। प्लाज्मोडियम एंटर द फीमेल बॉडी बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सही है। द पैरासाइट इनिशियली अटैक द लिवर सेल एंड देन मल्टीप्लाई इन द WBCs कॉजिंग देयर रप्चर, नहीं बाद में अटैक करते हैं RBC पे, तो ही फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज ए प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट, इन दिस मेथड ए काउ इज एडमिनिस्टर्ड विद हार्मोन 1 टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओवलेशन, इंस्टेड ऑफ वन एग विच नॉर्मली यील्ड पर साइकिल दे प्रोड्यूस 2 एग। फिर कह रहे हैं कि एट 3 सेल स्टेज आर रिकवर्ड 4 एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपको बताना है। तो हार्मोन कौन सा होता है? FSH लाइक एक्टिविटी वाला। दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, LH वाले, FSH वाले बचे। तो यहाँ पर एक जो प्रोड्यूस होते हैं बेटा वो 6 से 8 एक प्रोड्यूस होते हैं, 8 से 32 सेल स्टेज पर ट्रांसफर करते हैं नॉन सर्जिकल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि जो फीडिंग होती है कैटल की इसमें दोनों चीजों पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर और क्वांटिटी पर। कॉलम मैच करो, ये भी कॉलम हम कर चुके हैं शायद, है ना। वीट, वीट की वैरायटी कौन सी बेटा? वीट की वैरायटी है सोनालिका। कॉलीफ्लावर कौन सी हो जाएगी? कॉलीफ्लावर, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, जल्दी से मैच करिए बेटा। कॉलीफ्लावर हो जाएगा पूसा सुभ्रा, प्रेसिका हो जाएगा पूसा गौरव, और चिली हो जाएगा पूसा सदाबहार। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन। अरेंज द मेन स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सिक्वेंसली, यहाँ पर सिक्वेंसली इन स्टेप को अरेंज करना है। प्लांट ब्रीडिंग में 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप को सही क्रम में अरेंज करना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर 52 के लिए? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये सबसे पहला स्टेप, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये पहला स्टेप हो जाएगा। इसके बाद कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के बाद इवेल्युएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके बीच क्रॉस कराएंगे, ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। क्रॉस कराने के बाद सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, और उसके बाद टेस्टिंग एंड रिलीज। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन। ए वेराइटी इफेक्टिव अगेंस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर, ये भी एनसीईआरटी का सीधा पॉइंट है बेटा। सूट और फ्रूट बोरर से कौन रेजिस्टेंट होता है? सूट एंड फ्रूट बोरर, और ये कठिन सवाल है, बहुत आसान सवाल नहीं है। सूट और फ्रूट बोरर से कौन रेजिस्टेंट होता है? पूसा सवानी। पूसा सवानी सूट और फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट होता है। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, इट इंक्लूड। आउट ब्रीडिंग में क्या आता है? दो मेथड होते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में 3 तरीके आते हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। टू बी इवोल्यूशन ऑफ सक्सेसफुल ए म्यूटेशन मस्ट अकर, एवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन कहाँ पर होना चाहिए? अगर सोमेटोप्लाज्म में हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जर्म प्लाज्म डीएनए में अगर म्यूटेशन होगा तभी वो अगली जनरेशन में जाएगा। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज्ड फॉर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पैक कहते हैं इसको, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका यूज करते हैं जब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में इसका यूज करते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर, बिना वेक्टर को जीन ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं? बेटा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो ना लायकों। एक्सप्लांट एक्सिस्टेड प्लांट पार्ट यूज्ड इन द कैलस फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन रूट इनिशिएशन इन कैलस, साइटोकाइनिन सूट को इनिशिएट करता है, साइटोकाइनिन सूट को इनिशिएट करता मतलब ये गलत हो जाए। फॉर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ हनीबी द साइंटिस्ट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज,
इसको नोबेल प्राइज दिया गया था, पॉल वॉन फिस्क को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से ट्रू और फॉल्स बताने। एस्केरिस कॉमनली नोन एज पिनवर्म, पिनवर्म कहते हैं नहीं बेटा, एस्केरिस को कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, सही है, ट्रू हो जाएगा। द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटियसिस इज ए फंगस, नहीं बेटा ये तो निमेटोड होता है। इन्फेक्शियस डिजीज लाइक टिटनेस एंड निमोनिया हैव बीन लार्जली कंट्रोल्ड यूजिंग वैक्सीन, तो 59 में क्या आंसर हो जाएगा, वन क्या हो गया फॉल्स, टू हो गया ट्रू, थ्री हो गया फॉल्स, फोर हो गया ट्रू, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। 60 नंबर, रत्ना एंड जयार वेराइटीज ऑफ, जया और रत्ना किसकी वेराइटी है बेटा, जया रत्ना वेराइटीज ऑफ द राइस। मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन, मॉडर्न डिटर्जेंट में क्या रखते हैं बेटा, एल्कलीफाइल। कल क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, कल भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, एल्कलीफाइल का यूज। चलो लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा, लैक्टोबैसिलस थर्ड, सैक्रोमाइसिस ब्रेड, एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस सिट्रिक एसिड बनाएगा, सिट्रिक एसिड, और एस्ट्रोबैक्टर एस्टिक एसिड बनाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए टू बी फोर, ए टू बी फोर, सी सी थ्री एंड डी फाइव, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ग्रीन रिवॉल्यूशन अकर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कब हुआ, ये आपके नीट में सवाल पूछा जा चुका है। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960, वैसे सही है मिड 1960, एनसीईआरटी में मिड 1960 लिख के आपको दिया गया है। रेयर कैंसर विच इज मार्कर फॉर एड्स, एड्स के लिए मार्कर की तरह कौन होता है, कपूसी सार्कोमा, ये भी पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कौन करा था, आपके नीट में सवाल पूछा गया था बेटा ये। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन एक तो आज ही मैंने बताया था, पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल और इसका सोडियम नाइट्रेट का भी यूज करते हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज मेटिंग ऑफ, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम म्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें मेटिंग कराते हैं किसका, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज। द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द, मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड गलत है, पेनिसिलियम नोटेटम एस्टिक एसिड ये भी गलत, सैक्रोमाइसिस एथेनॉल ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन, सही है। इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट फर्टिलिटी, हार्मफुल रिसेसिव जीन, इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, ये भी सही है। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा 68 के लिए। इसमें लिखा है इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस इनफर्टिलिटी, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो। स्कम फ्लॉट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, स्कम कौन बनाता है, एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनमें ऑक्सीजन एक्युमुलेट होती है और इसलिए पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ चीज विच इज प्रोड्यूस्ड इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का मतलब ही किसकी बात कर रही है बेटा, स्विस चीज की बात हो रही है, और स्विस चीज में जो लार्ज होल है किसकी वजह से है, रिलीज ऑफ, ये जो डिप्रेशन आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ये किसकी वजह से, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाई की वजह से दिखाई दे रहे हैं। द मॉडर्न डे वॉशिंग पाउडर हैव सम बायोलॉजिकल कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्टली एडेड इन टू द पाउडर एज ए बायोलॉजिकल एजेंट, तो वॉशिंग पाउडर में बेटा दाग धब्बे को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइपेसिस का यूज किया जाता है। चलिए मैच करिए, दिखाई दे रहा है क्लियर। योगर्ट इज प्रोड्यूस बाई, ये तो आज पहले भी मैंने कराया था, योगर्ट कौन प्रोड्यूस करता है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस, 73 का सी ऑप्शन हो जाएगा। गिवन बिलो द स्टेप इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट, अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, प्रॉपर सीक्वेंस में इन स्टेप को अरेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 74। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, यानी दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पैसेज ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट इनटू लार्ज एरेशन टैंक फॉर मैकेनिकल एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ एयर, तो थ्री के बाद वन आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द
The development of somatic embryos was first observed by Carrot suspension. That is important question. पहला somatic embryo का formation किसके द्वारा किया गया था? पहली बार somatic embryo किसने बनाया था? Stewart नाम के साइंस ने बनाया था. Microbe like bacteria and many fungi can be grown on nutritive medium to form colonies. और bacteria और fungi अगर colony बना लेते हैं तो इन colonies को can be seen with the naked eye. हम naked eye से इन colonies को देख सकते हैं. Consider the following two statements and select the correct option. P15242 is a Indian hybrid crop of pea. NCERT में दिया गया बेटा आपको. NCERT में दिया गया फिगर में. Saccharum officinarum is also called tropical cane. ये भी सही यानी both statement one and two are correct. Haploid plant are preferred over diploid for mutation study because haploid में recessive mutation तुरंत express हो जाएगा. Consider the following two statement and select the correct option. Inbreeding increases homozygosity exposing harmful recessive gene, some of which are eliminated by selection. सही है. Continued inbreeding reduces fertility and productivity. ये भी सही है. तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे. Which of it is not used biopesticide? किसका यूज बायोपेस्टिसाइड के रूप में नहीं करते हैं? कौन सा बायोपेस्टिसाइड नहीं है? तो बैसिलस बीटी तो है, ट्राइकोडर्मा भी है, एनपीवी भी है, जेंथोमोनास नहीं है. ये तो ये पेस्टिसाइड जेंथोमोनास तो खुद एक पैथोजन ही हो जाएगा. ये तो पैथोजन ही है. विच शुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायो इथेनॉल? बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं? बायो इथेनॉल. देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, जेट्रोफा जो होता है बेटा इससे बायो डीजल ऑब्टेन किया जाता है. बायो डीजल, बायो इथेनॉल जिया मेज यानी मक्के से ऑब्टेन. ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, ये आपके एमयू में पूछा जा चुका है. ग्रे बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस. बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड, बायो फर्टिलाइजर का मतलब हम लिविंग की बात करें तो काउ डंग मैन्यूर तो नहीं हो जाएगा, गोबर की खाद तो नहीं हो सकती है ना. ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, एजोला, ये सब बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल. व्हिच वन इज करेक्ट, इससे कौन सा करेक्ट है? एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस मार्स गैस. सही है, ये सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 85 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस मार्स गैस. ठीक है, मार्स गैस. What gases are produced in anaerobic sludge digester? Anaerobic sludge digester में anaerobic sludge digester में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती हैं? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, हाइड्रोजन, ये सब गैसेज. एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ प्लांट. एपीकल्चर क्या होता है बेटा? मधुमक्खी पालन. तो मधुमक्खी पालन देखो, अब मेज की बात करें बेटा तो मेज तो ग्रास है और ग्रास में तो विंड पॉलिनेशन होता, वहां पर कोई यूज नहीं. सुगर केन भी ग्रास है. तीन ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, इनमें तो विंड से पॉलिनेशन होगा. तो यहाँ पर गुआवा, सनफ्लावर, स्ट्रॉबेरी, ये करेक्ट आंसर हो जाए. मेज हाइब्रिड हैव बीन डेवलप फॉर हायर अमाउंट ऑफ. मेज हाइब्रिड को किस लिए डेवलप किया गया था? मेज हाइब्रिड में दो अमीनो एसिड ज्यादा थे, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. लाइसिन यहाँ पर दिया गया है, यही ऑप्शन हो जाएगा. विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कौन होता है बेटा? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट दैट इज द स्टेटिन इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट. तो ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा. और साथ ही साथ अभी आपकी 11 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाली है बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं 60. किसके थ्रू? पोल के थ्रू करेंगे. 15 सेकेंड का टाइम रहेगा, रैंक आपको मिलेगी. और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट. और कल का टॉपिक जान लीजिए, कल आपकी यूनिट स्टार्ट होगी नीट पंचायत में. नीट पंचायत में कल आपकी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर कल का चैप्टर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट.
कल हम मॉर्फोलॉजी के 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर। क्रैश कोर्स बेटा जल्दी स्टार्ट होगा।